ट्रिक्स फॉर किड्स में आप सबका स्वागत है। आज हम संक्षिप्त पुस्तिका द्वारा तुकांत शब्दों के आधार पर बच्चों की जो शब्दावली है उसको विकसित करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए क्या, A4 साइज की शीट जिसको हम मोड़ कर ग्रीटिंग की फॉर्म में मोड़ लेते हैं और इसके अंदर चार्ट के कुछ टुकड़ों को एक छोटी सी किताब के फॉर्म में ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर अंतिम ध्वनि के आधार पर लिया हमने ली, अब इसको हम गली, फली, नली, भोली, टोली, पतली, नीली, तकली, नकली, इमली, असली, पसली, अकेली, सहेली, निराली, पतीली, मछली, छिपकली, होली, तोतली, केतली, कुंडली, खलबली, वैशाली। इसी प्रकार हम अन्य अंतिम ध्वनि के आधार पर कोई और अंतिम ध्वनि के लिए अक्षर ले सकते हैं, शब्द ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर अंतिम ध्वनि है या, माया, दरिया, जरिया, बढ़िया, टिकिया, गवैया, गौरैया, घटिया, लुटिया, मैया आदि। तो इस प्रकार बच्चों का एक अलग रुझान इसकी तरफ बढ़ेगा और बच्चे जो है किताब की तरफ आकर्षित होंगे क्योंकि उनकी शब्द भंडार में वृद्धि हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।